जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को लेकर। जी हां साथियों, आज का जो वीडियो है मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं और ये कहा है मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी ने। हम यहां सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहते हैं, आप सभी को मालूम है वर्तमान में विधानसभा सत्र जारी है। अब उसी विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान राज्य सरकार के ही विधायक माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी ने कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसके लिए सचिवों की ट्रांसफर पॉलिसी का जिक्र भी किया कि केवल 10% ट्रांसफर ही किए जाते हैं प्रत्येक 3 साल में सचिवों के ट्रांसफर का, जबकि नियम है। तो ऐसे में कितने सचिवों का ट्रांसफर हो पाता होगा। अब इसको लेकर ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी ने कहा है कि नए सिरे से तबादला नीति बनाने की जरूरत है और यह सब हुआ है विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान ही। साथ ही साथ जो विधानसभा स्पीकर है उन्होंने भी इसको लेकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया है, मुझे लगता है कि जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं उन तथ्यों के आधार पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी को एक बार सामान्य प्रशासन मंत्रालय के जो मंत्रीगण है उनसे मिलकर बैठकर इन तथ्यों पर विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी ने अपनी बात को आगे भी बढ़ाया और उन्होंने कहा है ट्रांसफर पॉलिसी पर एक बार फिर विचार होना चाहिए, कैसी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए इसको लेकर मंत्रीगणों से चर्चा की जानी चाहिए। साथ ही साथ नियमों में परिवर्तन करके, ये उन्होंने स्पष्ट सदन में कहा है, नियमों में परिवर्तन करके एक बार फिर मैं सदन में सबके सामने आऊंगा और इन प्रश्नों के जवाब दूंगा। तो एक बात तो तय है कि आने वाले समय में जैसे ही विधानसभा सत्र बीत जाएगा अब कर्मचारियों की जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें कुछ बड़े बदलाव या परिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी है उनके लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आया है। साथियों, हम इसी तरीके से कर्मचारी जगत की महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। यदि जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसे अपने अन्य साथियों तक शेयर जरूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे जरूर जुड़ें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।